सुनाओ, ये रियल नंबर का हमारा फिफ्थ लेक्चर है। रियल नंबर के फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना था फॉर होम असाइनमेंट 5 इन क्लास असाइनमेंट 5, क्योंकि रियल नंबर के फिफ्थ लेक्चर को लास्ट क्लास में मैंने खाली इनिशिएट किया था और मैंने बोला था कि इसके क्लास असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ, वो जो कि हॉट्स क्वेश्चन थे, जो कि बोर्ड्स प्रस्पेक्टिव से बहुत ही रेयर चांसेस हैं उनके आने के, बट स्टिल कुछ चांसेस हैं आने के, तो हमें उसको करना पड़ेगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं क्लास असाइनमेंट की। पहले क्लास असाइनमेंट फिफ्थ की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th एंड 9th, ये चार क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है अभी, जो कि बोर्ड्स प्रस्पेक्टिव से रेयर चांस है आने का, बट स्टिल कुछ चांसेस भी हैं, तो हम उन चांसेस को मिस नहीं करना चाहेंगे, हम ये क्वेश्चंस करेंगे। एंड इसके बाद मैं होम असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों का होमवर्क, कुछ लोगों ने होमवर्क अपडेट किया है मुझे, लेकिन थोड़ा सही तरीका नहीं है उनका ये क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। और इस पूरी असाइनमेंट्स में हमारे को एक ही बात पर डिस्कशन करना है कि नंबर इरेशनल है या नहीं है, यही प्रूफ करना है हमें। फाइन, तो बढ़ते हैं अपने इस असाइनमेंट की तरफ। सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर हमसे स्टेट कर रहा है दैट शो दैट देर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट देर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज रैशनल। ऐसा कोई एन इंटीजर नहीं है जिसके लिए इसका सॉल्यूशन रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन का सॉल्यूशन जो है वो रैशनल हो। ऐसा कोई एन नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले हम बोलेंगे लेट दिस बी अ रैशनल। आपको पता है हम कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, तो लेट दिस बी अ रैशनल से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट दिस बी अ रैशनल से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के डायरेक्टली एंड पे ले जाता हूँ पहले, कि मैं दोबारा लौट के क्या प्रूफ करूँगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको रैशनल एंड इरैशनल के एलजेब्रा के बारे में कुछ बताया था। मैं यहाँ पर फिर दोबारा अपनी क्लास के स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ दैट एनी काइंड ऑफ एलजेब्रा बिटवीन, ये चार टाइप का एलजेब्रा होता है आपके पास, चार टाइप के फंक्शंस हैं आपके पास, एनी काइंड ऑफ एलजेब्रा बिटवीन टू रैशनल विल ऑलवेज गिव रैशनल। एनी काइंड ऑफ एलजेब्रा बिटवीन टू इरैशनल कैन गिव रैशनल एज वेल एज इरैशनल, एंड एनी काइंड ऑफ एलजेब्रा बिटवीन इरैशनल एंड रैशनल, इरैशनल एंड रैशनल कैन बी ऑलवेज इरैशनल। सो इस क्वेश्चन में भी मैं यही प्रूव करूंगा कि ये जो एलजेब्रा है, इस क्वेश्चन में भी यही पुट करूंगा कि ये जो एलजेब्रा है प्लस वो किसी एक इरैशनल और रैशनल के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से इसका आंसर इरैशनल होना चाहिए। बट इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा क्रूशियल है क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा ये रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, और इनको करने की एक अलग ट्रिक होती है। सो इसके लिए हमने पहले माना है कि ये लेट इट बी अ रैशनल नंबर। सो डेफिनेटली इफ इट्स अ रैशनल इट कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p by q इज इक्वल्स टू रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन, वेयर रिमेंबर दैट p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। फाइन, नाउ इन केस अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँ, सो इट विल बी q by p दैट इज 1 by रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन। अब इसके लिए मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वन बाय रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन को, मल्टीप्लाई करूँगा एंड डिवाइड करूँगा विद व्हाट, रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन अपॉन रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन। आपको पता है उसके कॉन्जुगेट से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। नाउ कॉन्जुगेट का मतलब होता है बीच के साइन को चेंज कर देना, तो ऊपर तो सेम रहेगा रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन नीचे हमें दिखाई देगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विच इज़ ए
का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन होल अपॉन इसका स्क्वायर होगा, तो ये एन माइनस वन आएगा एन माइनस वन आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास एन एन कैंसिल आउट होके माइनस जो है, सो इट विल बी क्यू बाय पी माइनस टू क्यू बाय पी इज इक्वल्स टू रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन। हम चाहें तो माइनस इस साइड भी ले जा सकते हैं, तो वो सिर्फ टू क्यू बाय पी हो जाएगा। एंड ये हमारे पास रूट एन प्लस वन जो होगा वो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये रूट एन माइनस वन प्लस से माइनस हो जाएगा अगर ये माइनस हम यहाँ पर भेज देंगे। फाइन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और इन दोनों के इक्वेशन के लेफ्ट में इंटीजर्स का रेशो है, इंटीजर्स का डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स नेट आंसर रैशनल ही है अभी भी लेफ्ट में। लेफ्ट में अभी भी नेट आंसर क्या है? रैशनल, क्योंकि रैशनल का अलजेब्रा हो रहा है। फाइन, इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं। सो अब हमारे पास ऊपर से एड इक्वेशन वन एंड टू एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, तो इससे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, थ्री एंड फोर, एक बारी ऐड करने से मिलेगी और एक बारी सब्ट्रैक्ट करने से। पहले ऐड करते हैं। सो ऐड करने से हमारे पास p बाय क्यू प्लस होगा 2q बाय p के साथ, p बाय क्यू प्लस होगा 2q बाय p के साथ, तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ रूट एन प्लस वन, क्योंकि रूट एन प्लस वन पी बाई क्यू में भी प्लस में था एंड रूट एन प्लस वन टू क्यू बाई पी में भी प्लस में है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। बट रूट एन माइनस वन वहाँ पर प्लस में था पी बाई क्यू में, और यहाँ पर टू क्यू बाई पी में वो माइनस में है, तो वो ऐड होते हुए कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर हमारे पास क्यू पी एक एलसीएम आएगा, जिसके पैरों में ये टू आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये रूट एन प्लस वन अकेले रहने वाला है, तो टू नीचे आ जाएगा एंड ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन, ये हमारी क्या है? थर्ड इक्वेशन। एंड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो कौन सी होगी? लेट्स सी, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इक्वेशन आएगी पी बाय क्यू माइनस टू क्यू बाय पी में, माइनस लगने की वजह से टू क्यू बाय पी में रूट एन माइनस वन हो जाएगा माइनस, एंड ये रूट एन माइनस वन हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस लग चुका है, इसीलिए हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट एन माइनस वन, क्योंकि रूट एन माइनस वन अब ऐड हो जाएंगे, लेकिन रूट एन प्लस वन एंड रूट एन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों इक्वेशंस के। किसको कर रहा हूँ ये मैं सब्ट्रैक्ट? फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो जो आंसर आएगा वो हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, दैट इज क्यू पी, जिसके पैरों में ये टू आ जाएगा, तो रूट एन माइनस वन अकेला रह जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर। नाउ ये हमारा है फोर्थ इक्वेशन। नाउ इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बोथ LHS आर रैशनल, बोथ LHS आर रैशनल, बोथ LHS आर रैशनल बिकॉज इट्स एलजेब्रा बिटवीन इंटीजर्स, इट इज एलजेब्रा बिटवीन इंटीजर्स विच आर रैशनल इट्सेल्फ, विच आर रैशनल इट्सेल्फ, क्योंकि एलजेब्रा किसके बीच में हो रहा है? इंटीजर्स के बीच में, पी क्यू टू ये सब क्या है? रैशनल्स हैं, तो इनका एलजेब्रा भी क्या होगा? रैशनल। सो RHS has to be rational, क्योंकि दोनों का LHS rational है, तो RHS has to be rational, RHS has to be rational. Let's see, अब क्वेश्चन कहाँ ले जाता है हमें? Now, therefore, RHS need to be a
perfect square of someone. Perfect square of someone. In order to get out from square root. Square root से बाहर आने के लिए, rational बनने के लिए, उसको किसी का perfect square होना पड़ेगा. So n plus 1 and n minus 1, n plus 1 and n minus 1, both has to be perfect square. Both has to be perfect square. क्योंकि रूट में से बाहर नहीं आएंगे तो रैशनल नहीं होंगे, और खुद रैशनल नहीं होंगे तो LHS के साथ इक्वेट कैसे कर पाएंगे अपने आप को. अब इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. अब क्यों ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए एक रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए, ठीक है. सो देखते हैं वन का स्क्वायर क्या होता है, वन. टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर. थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन. फोर का स्क्वायर क्या होता है, सिक्सटीन. फाइव का स्क्वायर क्या होता है, ट्वेंटी फाइव. सिक्स का स्क्वायर, थर्टी सिक्स. सेवन का स्क्वायर, फोर्टी नाइन. नाउ इन परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स देखिए ज़रा, कि किसी भी n के लिए परफेक्ट स्क्वायर्स का नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है. वन एंड फोर के बीच में डिफरेंस है थ्री का, फोर एंड नाइन के बीच में डिफरेंस है फाइव का, 9 एंड 16 के बीच में डिफरेंस है 7 का, 16 एंड 25 के बीच में डिफरेंस है 9 का, 25 एंड 36 के बीच में डिफरेंस है 11 का, 36 एंड 49 के बीच में डिफरेंस है 13 का. सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंसेस जो है परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में वो बढ़ते जा रहे हैं. सो विच इज नॉट पॉसिबल, वाई? बिकॉज मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट, इनमें से मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर हैज टू बी थ्री. मिनिमम डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, थ्री. बट बिटवीन एन प्लस वन एंड एन माइनस वन इट्स टू. अगर आप n प्लस वन और n माइनस वन की बात करेंगे तो n से एक ज्यादा और n से एक कम, इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, टू. देयरफॉर इफ n प्लस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो n माइनस वन कैन नॉट बी, एंड वाइस वर्सा. This contradicts equality of equation, third and fourth. Equality जो थी equation third की वो किस behalf पे थी, कि left side भी rational है तो right side को भी rational होना पड़ेगा. और fourth की किस बात पे थी, लेफ्ट की रैशनल है तो राइट की रैशनल होना पड़ेगा. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन, दिस और दिस इक्वालिटी ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन दिस और दिस. मतलब अगर थर्ड की इक्वालिटी प्रूव होती है तो फोर्थ की नहीं हो सकती, एंड फोर्थ की इक्वालिटी होती है तो थर्ड की नहीं हो सकती. मतलब कोई और एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता. देयरफॉर कॉन्ट्रडिक्ट्स First assumption. Therefore, contradicts first assumption. Root n minus 1 plus root n plus 1 is algebra between rational and irrational. Between rational and irrational. Therefore, it's an irrational number. So ये मेरा first question था. आप first question से ही समझ गए होंगे कि ये question जो है 6th, 7th, 8th, 9th मैंने क्यों कहा थोड़े hot question है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग चाहते हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं basics पे, maths पे, कहाँ कहाँ से ये knowledge आपसे ढूंढ के लिए चाहते हैं कि आप यहाँ से ये knowledge ढूंढें. तो इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें. फाइन,
ताकि फिर आगे हमें समझ में आ सके. अब जैसे जैसे क्वेश्चंस और बढ़ रहे हैं थोड़े और हो सकते हैं माइनर टफ होते जाएं क्वेश्चंस. सो आई सजेस्ट फॉर दिस लेक्चर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, and 9 ऑफ क्लास असाइनमेंट 5th देन लीव इट. इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. इट विल हार्डली मेक अ डिफरेंस इन योर नॉलेज टूवर्ड्स बोर्ड्स बिकॉज इनके चांसेस बहुत ही रेयरेस्ट हैं. लाइक आउट ऑफ 100 देयर इज ओनली 0.1 or 0.5% चांसेस कि ऐसे क्वेश्चंस आए. ठीक है, बट स्टिल आप में से जो भी बच्चा जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं आज तक के, अगर वो डेफिनेटली इनको बहुत ईजिली समझ गया और बहुत ईजिली कोप अप कर सकता है इन क्वेश्चंस के साथ, तो वो ज़रूर इन क्वेश्चंस को करें. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7th. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th हमसे डिमांड कर रहा है दैट लेट ए एन बी द पॉजिटिव नंबर. लेट ए एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर. शो दैट root 2 always lie between a by b, root 2 always lie between a by b and a plus 2b by a plus b, that there are two integers a and b such that root 2 always lie between a by b and a plus 2b by a plus b. That doesn't mean that a plus 2b by a plus b will be greater than root 2 and root 2 will be greater than a by b. There are some scenarios in which this is true, and there are some other scenarios in which a by b is greater than root 2 and root 2 is greater than a plus 2b and a by a plus b. So this can be in both ways. This question can be in both ways, that root 2 is less than this and greater than this, or root 2 is less than this and greater than this. We'll see scenarios, we'll see how to solve this question, but before that you need to understand what this question demands. This question demands that there are two integers a and b such that root 2 lie in between this or this. So let's proceed with the question. Okay, सो हम इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, एंड वील गेट टू द आंसर. सो हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला. अगर लेफ्ट वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दैट एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें a प्लस 2b बाय a प्लस b जो है वो ग्रेटर देन a बाय b है, वो ग्रेटर देन a बाय b है, क्योंकि ये रूट टू से बड़ा है और रूट टू इससे बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली इससे बड़ा होगा. फाइन, इस सिनेरियो पे बढ़ते रहेंगे हम, और पहले इस सिनेरियो को सॉल्व करते हैं फिर हम वापस आएंगे और हम इस सिनेरियो को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो अगर ये ग्रेटर देन दिस है, देयरफॉर ए प्लस टू बी बाय ए प्लस बी में से अगर मैं माइनस कर दूँ ए बाय बी को, किसको माइनस कर दूँ, ए बाय बी को, तो इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करूँगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर आएगा. अब इसके एलसीएम के ऊपर बात करते हैं. b ब्रैकेट में a प्लस बी विच इज ए बी प्लस टू बी स्क्वायर, ये इधर एंड इधर ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, प्लस ए बी एंड माइनस ए बी कैंसिल आउट ईच अदर, सो टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी बाय अपॉन बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो. अब ये चीज कब पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है जब टू बी स्क्वायर, जब टू बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, टू बी स्क्वायर जब ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तभी ये पॉसिबल है, ताकि टू बी स्क्वायर में से जब ए स्क्वायर माइनस आए तो पॉजिटिव आंसर आए तभी ये ग्रेटर देन होगा. मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर 2b square minus a square greater than 0 की बात कर रहा हूँ. 2b square minus a square greater than 0 होना चाहिए, एंड ये तब पॉसिबल है जब 2b square बड़ा होगा a square से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम इसमें ही 2 को अगर यहाँ अकेला छोड़ दें, ग्रेटर साइन यही रहेगा तो b square आ जाएगा नीचे, b square आ जाएगा नीचे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, सो आप बोलेंगे कि a बाय बी जो है वो लेस है रूट टू से, a बाय बी जो है वो लेस है रूट टू से. आप एक पार्ट पे पहुंच चुके हैं,
अब आपने ये प्रूफ कर दिया रूट टू जो है वो ए बाई बी से बड़ा है। अब आपको प्रूफ करना है रूट टू जो है वो ए प्लस टू बी बाय ए प्लस बी से छोटा है। रूट टू अब आपको प्रूफ करना है ए प्लस टू बी बाय ए प्लस बी से छोटा है। नाउ इस पार्ट को प्रूफ करने के बाद ये या आप याद रखिएगा, ये या आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब एक सिनेरियो का। अब आप इसको दोबारा उठाइए यहाँ से और आप इसको क्या लिखेंगे, टू बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों में ए स्क्वायर ऐड करते हैं, ऐड ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऐड ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो क्या लिखेंगे हम इसको, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो अगेन अब ऐड करूंगा मैं, ऐड टू बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऐड टू बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर में ऐड किया टू बी स्क्वायर एंड यहाँ पर ए स्क्वायर इट्स ग्रेटर देन एंड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज टू ए स्क्वायर में ऐड किया टू बी स्क्वायर। फाइन, अब ऐड करूँगा मैं फोर ए बी ऑन बोथ साइड्स, ऐड करूँगा मैं फोर ए बी ऑन बोथ साइड्स। सो ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर एंड टू बी स्क्वायर इज फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए बी इज ग्रेटर देन टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी। दोनों साइड में फोर ए बी दे दिया हमने। फाइन, अब अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो इसमें दिखेगा मुझे ए का स्क्वायर प्लस टू बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू बी इंटू ए। फाइन, एंड यहाँ देखेंगे तो टू कॉमन लेके मुझे क्या दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू कॉमन लेके यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं मैं इधर, तो ए स्क्वायर नॉट स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी इज ग्रेटर देन रूट टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। देयरफॉर ए प्लस टू बी के पास ए प्लस बी डिवाइड होने आया विच इज ग्रेटर देन रूट टू, विच इज ग्रेटर देन रूट टू। फाइन, ये हमारी इक्वेशन है सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन क्या है सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को भी मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट जो हमने पहले ही मार्क कर दी है। तो आप देख रहे हैं रूट टू जो है वो ए बाई बी से बड़ा है, और यहाँ अगर आप आके देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो वो रूट टू आपको छोटा दिखाई देगा ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि रूट टू बड़ा है ए बाई बी से एंड रूट टू छोटा है ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से। देयरफॉर रूट टू लाइज इन बिटवीन, देयरफॉर रूट टू लाइज इन बिटवीन ए बाई बी एंड ए प्लस टू बी बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी। फाइन, सो ये हमारे पास एक सिनेरियो था जिसमें रूट टू ए बाई बी से बड़ा और ए प्लस टू बी बाय ए प्लस बी से छोटा है। दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि वो ए बाई बी से छोटा और ए प्लस टू बी बाय ए प्लस बी से बड़ा है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं दूसरा सिनेरियो। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर a बाई बी से छोटा है रूट टू और a प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से बड़ा है, देयरफॉर a बाई बी डेफिनेटली बड़ा हुआ a प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से, क्योंकि वो इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से आप आके इसको माइनस करेंगे a प्लस टू बी बाई ए प्लस बी को अगर आप माइनस करेंगे a बाई बी में से, तो आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो निकलेगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पर आंसर ग्रेटर देन जीरो निकलता है। नाउ सेम प्रोसीजर है, बस फॉलो करना है आपको, बी ए प्लस बी एल सी एम, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस टू बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन बी ब्रैकेट में ए प्लस बी
इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये तभी मुमकिन है जब ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होने के लिए ए स्क्वायर को बड़ा होना पड़ेगा टू बी स्क्वायर में से, तभी बड़ा नंबर छोटे नंबर को माइनस करेगा और वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए इज़ ग्रेटर देन रूट टू भी हो जाएगा, सो ए बाई बी आपका ग्रेटर देन आ गया रूट टू, ए बाई बी बड़ा हो गया रूट टू से। ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया हमारा, अगर ए बाई बी रूट टू से बड़ा हो गया, और अब मुझे प्रूफ करना है कि रूट टू ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से, रूट टू ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से बड़ा है, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो वो उन दोनों के बीच में लाई कर जाएगा। सेम तरीका है, अब मैं फिर दोबारा इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर, ऐड करूँगा ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर एंड फोर ए बी ऑन बोथ साइड्स। अब मैं डायरेक्टली एक ही साथ एक ही स्टेप में इन तीनों चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस तरीके से आप करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर लेफ्ट साइड के ए स्क्वायर में आपने ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर एंड फोर ए बी ऐड किया विच इज़ ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर में राइट साइड में आपने फिर दोबारा ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर एंड फोर ए बी को ऐड कर दिया। तो यहाँ हो गया ये टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर फोर ए बी, और यहाँ हो गया ये ए स्क्वायर फोर बी स्क्वायर फोर ए बी। टू कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पर अगर हम ऐसे देखने लगे इसको ए स्क्वायर टू बी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू ए इंटू सॉरी टू बी इंटू ए की तरह, तो ये दिखाई देगा टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दिखाई देगा ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये दिखाई देगा हमारे पास रूट टू ए प्लस बी ग्रेटर देन ए प्लस टू बी, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएंगे, खाली टू के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो रूट टू यहीं अगर अकेला रहा तो ये ग्रेटर का साइन भी यहीं रहेगा, और ये ए प्लस बी बस ए प्लस टू बी के पास जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी कौन सी है सेकेंड इक्वेशन। अब ज़रा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को देखिए ज़रा, तो आप कह रहे हैं ए बाई बी बड़ा है रूट टू से, और सेकेंड इक्वेशन कह रही है रूट टू बड़ा है ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से, तो क्या आप कह सकते हैं देखो रूट टू लाइज इन बिटवीन ए बाई बी एंड ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी। क्लियर, सो ये दो सिनेरियो थे। आप इस पूरे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ अब, और आपको एक साथ सब दिखा रहा हूँ यहाँ से। हो सकता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप या आईपैड या किसी भी तरह के टैबलेट, अगर आप किसी पे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे, बट एग्जैक्ट यही है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, उसने हमसे बोला था, मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ ने हमें बोला था कि रूट टू को प्रूफ करो कि वो ए बाई बी और ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी पे के बीच में लाई करता है। तो दो सिनेरियो आते हैं, या तो वो ए बाई बी से बड़ा हो और ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से छोटा हो, या फिर वो ए बाई बी से छोटा हो और ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी से बड़ा हो। जिस तरीके का सिनेरियो उस तरीके के सिंबल्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे आंसर आएगा, सॉल्यूशन करके आपको यहाँ तक पहुँचना है, जिसमें इक्वेशन या तो ए स्क्वायर लेस देन टू बी स्क्वायर होगी या ए स्क्वायर ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर रूट लेके रूट टू का ए बाई बी के साथ डिनोशन लिख के फर्स्ट इक्वेशन मार्क करनी है, देन दोबारा उस स्क्वायर वाली इक्वेशन को उठाना है, दोनों में कॉमन है, ऐड करना है आपको क्या क्या बता रहा हूँ मैं, दोनों साइड ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर एंड फोर ए बी, इन सबको उठा के ऐड करना है दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस में और दोनों ही साइड्स में। ऐसा करके आप पहुँच जाएंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर तक, या फिर ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनमें से किसी एक सिनेरियो पे पहुंच जाएंगे। फिर आप इसको स्क्वायर रूट लेके इधर उधर ले जाके सेकंड इक्वेशन ला सकते हैं, जैसे ये रही सेकंड इक्वेशन दोनों की, एंड देन उसको सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा
एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि रूट टू किससे बड़ा और किससे छोटा है, जिसकी वजह से वो उसके बीच में लाई कर रहा होगा. फाइन, ये था कंप्लीट एनालिसिस इस क्वेश्चन का. देन क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, क्लास असाइनमेंट 5th के क्वेश्चन नंबर 8th. अभी तक आपने दो क्वेश्चंस करे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं. मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये टिपिकल क्वेश्चंस वैसे तो समझना आसान है अगर आपकी बेसिक मैथ्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बट कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर आपकी बेसिक मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो जस्ट लीव दीज क्वेश्चंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे आपके बोर्ड्स में. फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8th हमसे क्या कह रहा है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8th स्टेट्स दैट ए बी सी डी आर दी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सच दैट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी. इट्स गिवन दैट ए बी सी एंड डी आर रैशनल नंबर्स सच दैट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी. देन दिस इज पॉसिबल ईदर ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी. दिस इज पॉसिबल दैट ईदर ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी, और बी एंड डी आर स्क्वेयर्स ऑफ रैशनल. This is possible only when either this or this. तो ये इनमें से किसी एक चीज को आपको प्रूव करना है. ये दिया हुआ है और बोला हुआ है ये जो दिया हुआ है उन्होंने ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज सही है या फिर ये चीज सही है. दोनों में से कोई एक चीज सही है तभी ये पॉसिबल है. ठीक है, ये आप क्वेश्चन समझ लीजिए. कुछ दिया हुआ है आपको और वो बोला गया है कि ये तभी मुमकिन है जो हमने दिया हुआ है जब इधर दिस और दिस इज ट्रू. फाइन, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे. ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने कंडीशन दी है कि इन दोनों में से किसी एक चीज़ को हमें प्रूफ करना है, तो मैं इस राइट एंड साइड वाली चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ जो कि बड़ा ईजी है अप्रोच करने के लिए. लेट्स सी मैं कैसे बी एंड डी को परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ कर दूंगा या फिर स्क्वायर ऑफ रैशनल्स प्रूफ कर दूंगा. रूट बी एंड रूट डी को परफेक्ट स्क्वायर या फिर बी एंड डी को स्क्वायर ऑफ रैशनल्स प्रूफ कर रहा हूँ मैं. ठीक है, देखते हैं. सो नाउ ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी. ए बी सी डी क्योंकि सभी रैशनल हैं तो रूट बी एंड रूट डी के बारे में हम कुछ श्योर हों या ना हों, हम ज़रूर जानते हैं कि अकेला ए और अकेला सी जो है वो एक रैशनल नंबर है. कोई भी रैशनल नंबर्स, चाहे कोई भी रैशनल नंबर्स हों, उनके बीच में ज़रूर कुछ फासला होता है. लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल 2 एंड 10 आर रैशनल नंबर्स, लेकिन हम जानते हैं कि 10 जो है वो 2 से 8 बड़ा है, तो 2 में अगर 8 जोड़ूंगा तो वो 10 बन जाएगा. सो ए इज नॉट इक्वल टू सी. लेट्स से ए इज नॉट इक्वल टू सी. आई डोंट नो ए सी के इक्वल है या नहीं है, लेट्स से नहीं है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा एग्जिस्ट करता होगा कि हम ए को सी प्लस एक्स लिख सकें. मतलब सी और ए में जो फासला होगा वो अगर एक्स का होगा तो x कुछ भी हो सकता है. x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव. अगर x पॉजिटिव है तो दैट मीन्स a बड़ा है c से और x दूरी पर है, और x अगर नेगेटिव है दैट मीन्स a छोटा है c से और x दूरी पर है. ठीक है, कोई x अगेन वेयर x इज ऑल्सो अ रैशनल. फाइन, नाउ अब हमारे पास ये पुट कर सकते हैं हम, जो हमने लेट किया है कि ए और सी भले ही बराबर नहीं है लेकिन डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर एक्स जिसको हम सी में जब ऐड करेंगे, जो रैशनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जब ऐड करेंगे तो हम ए तक पहुंच जाएंगे. सो हम एक ही जगह पुट कर सकते हैं सी प्लस एक्स प्लस रूट बी. एक ही जगह पुट करा सी प्लस एक्स प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी. सी और सी क्या हो गए, कैंसल आउट. नाउ एक्स प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू रूट डी, जिसमें हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दी. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो ये हो जाएगा x प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट डी का होल स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स रूट बी इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि रूट डी का स्क्वायर क्या होगा, डी. नाउ हम लोग सब कुछ एक तरफ ले जा रहे हैं, रूट की टर्म को अकेला छोड़ रहे हैं, तो d में से माइनस होने आया एक्स स्क्वायर, माइनस होने आया b,
और 2x होने आया है डिवाइड, तो रूट भी अकेला छूट गया। नाउ इक्वालिटी फॉलो हो रही है सिंस RHS, सिंस RHS इज रैशनल, एलजेब्रा बिटवीन रैशनल्स विल डेफिनेटली गिव यू रैशनल, क्योंकि डी एक्स बी एक्स सब क्या है, रैशनल है। सो सिंस RHS इज रैशनल देयरफॉर LHS हैज टू बी रैशनल, देयरफॉर LHS हैज टू बी रैशनल, विच मीन्स बी which means b is a square of rational, which means b is a square of rational, b एक square बन गया rational का। अगर b square बन गया rational का तभी तो वो square root से solve होके बाहर आ पाएगा और अपने आप को rational proof कर पाएगा root b। fine, now since x plus root b is equals to root d, सिंस रूट बी इज नाउ रैशनल, रूट बी इज नाउ रैशनल फ्रॉम अबव एंड एक्स इज ऑलरेडी, सिंस रूट बी इज नाउ रैशनल फ्रॉम अबव एंड एक्स इज ऑलरेडी रैशनल, देयरफॉर LHS of above, therefore LHS of above is rational, which makes RHS also rational, which makes RHS also rational. Hence D has to be a square of rational to get the perfect square root out of it. Hence D has to be square of rational. Fine. So yehi unhone hame prove karne ke liye kaha tha, that therefore we proved if a plus root b is equals to c plus root d, then b and d आर स्क्वायर ऑफ रैशनल्स, आर स्क्वायर ऑफ रैशनल्स। चलिए क्लास असाइनमेंट फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि ए बी सी एन पी, ए बी सी एन पी आर रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर एंड पी इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, पी इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये चीज़ एक गिवन है हमें, और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि अगर ए प्लस बी पी की पावर 1/3 प्लस सी पी की पावर 2/3 ज़ीरो है, देन प्रूव करें, देन प्रूव करें, दिस इज इफ देन प्रूव, देन प्रूव करना है हमें ए बी सी तीनों इक्वल हैं ज़ीरो के, क्लियर है, तीनों इक्वल हैं ज़ीरो के। लेट्स सी कैसे प्रूव करते हैं इसे हम। जो गिवन है हमारे पास, पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी 1/3 से। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, जो ए प्लस बी पी की पावर 1/3 प्लस सी पी की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई अबव विद पी की पावर 1/3। सो इट विल बी ए पी की पावर 1/3 बी पी की पावर 2/3 प्लस सी पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज आपको मल्टीप्लाई करना आता है, तो पी की पावर 1/3 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ ऑलरेडी पी है वहाँ पर बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी अपने आप। ये इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को बाय बी, फर्स्ट को बाय बी एंड सेकेंड बाय सी, सेकेंड बाय सी एंड सब्ट्रैक्ट करना है फिर उसके बाद, एंड सब्ट्रैक्ट करना है उसके बाद आपको, ठीक है। फर्स्ट को बी से, मतलब
ए प्लस बी पी की पावर 1/3 प्लस सी पी की पावर 2/3 को आपको मल्टीप्लाई करना है बी से एंड सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को जब आपने मल्टीप्लाई करा है सी के साथ. तो ए पी की पावर 1/3 प्लस बी पी की पावर 2/3 प्लस सी पी को जब आपने सी से मल्टीप्लाई करा है. क्लियर है? नाउ इससे देखते हैं हमारे पास कुछ बेनिफिट, कुछ हेल्प मिलेगी हमें. इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो क्योंकि आप LHS और RHS में दोनों ये काम कर रहे हैं, तो LHS में तो आपने दिखाई दिया RHS जीरो है, तो जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए जीरो रहेगा, सब्ट्रैक्ट करिए तो भी जीरो ही रहेगा. सो यहाँ ये होगा BA प्लस बी स्क्वायर पी की पावर 1/3 प्लस बी इंटू सी इंटू पी की पावर 2/3 माइनस सी ए पी की पावर 1/3 माइनस सी इंटू बी इंटू पी की पावर 2/3 माइनस सी स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू जीरो. तो वैसे का वैसे ही है. अब आप ज़रा 2 की पावर 3/2/3 की पावर देखेंगे पी के ऊपर, तो उसके साथ बी एंड सी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, यहाँ पर भी बी एंड सी मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे. अब पी की पावर 1/3 अगर कॉमन निकाल लें तो एक ब्रैकेट में आपको दिखेगा पी की पावर 1/3 कॉमन निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी ए माइनस सी स्क्वायर पी को हम वैसे ही रख लेते हैं. तो एक जिसमें पी का कहीं नामो निशान नहीं है, सॉरी एक जिसमें हमारा पी पावर 1 में है, पी पावर 1 में है एंड नॉर्मल नंबर्स है, एंड एक जिसमें पी पावर 1/3 में है, उनको अलग अलग रख लिया, इक्वल्स टू जीरो रख दिया. अब दिस इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि इंडिविजुअली बी स्क्वायर माइनस सी ए को भी जीरो के इक्वल होना पड़ेगा. ये थर्ड इक्वेशन है मेरी, याद रखिएगा, मैं इसका आगे चल के यूज़ करूँगा. इंडिविजुअली इसको भी जीरो होना पड़ेगा, विच विन गिव्स आउट एन आउटपुट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए. तो बी स्क्वायर माइनस सी ए को जीरो होने का मतलब है कि बी स्क्वायर सी ए है, एंड इसमें इंडिविजुअली बी ए माइनस सी स्क्वायर पी को भी जीरो होना पड़ेगा. इसके जीरो होने का मतलब इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा. तो इसके जीरो होने का तो मैंने इक्वेशन भी मार्क कर दिया और आउटपुट भी लिख दिया कि क्या निकलता है, बट इसके जीरो होने का मतलब है बी ए को सी स्क्वायर पी के साथ इक्वेट होना पड़ेगा. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी की पावर 4 पी का पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद मिला है मुझे ये, ऊपर वाली चीज़ को मैंने स्क्वायर करा है दोनों साइड पर तो मुझे ये मिला है. ऐसा मैंने किया क्यों है देखते हैं. नाउ यहाँ से मैं बी स्क्वायर सी ए को यूज़ कर सकता हूँ इधर, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखूँगा, बी स्क्वायर की जगह सी ए यूज़ कर लूँगा, और ये सी की पावर 4 पी का स्क्वायर इधर आके माइनस कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो. अब ए स्क्वायर ए क्यूब है, सॉरी ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब ब्रैकेट में सी बाहर, दोनों में सी कॉमन था, मैंने सी बाहर ले लिया कॉमन, इधर सी क्यूब पी स्क्वायर रह गया और इधर ए क्यूब ओनली रह गया अकेला, इज इक्वल्स टू जीरो है, इज इक्वल्स टू जीरो है. एंड देन इसके फिर दो मतलब निकलते हैं. पहला दैट सी को अकेले जीरो होना पड़ेगा. पहला मतलब जो निकलता है वो बहुत सिंपल है कि सी का जीरो होना जरूरी है ताकि प्रोडक्ट होके जीरो आंसर आए. एंड दूसरा ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब को जीरो होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. वाई इट इज नॉट पॉसिबल, लेट सी. सो ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब का मतलब होता है कि आप कह रहे हैं कि ए क्यूब बाय सी क्यूब इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर है. मतलब अगर आप पी स्क्वायर सी क्यूब उधर ले जाते हैं और पी स्क्वायर को अकेला छोड़ते हैं तो सी क्यूब को नीचे लाना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब सी क्यूब है. राइट? नाउ ए बाय सी अगर अकेला रखेंगे तो आप यहां लिखेंगे 2/3. ए बाय सी अकेला रखेंगे तो ये जो इसका होल क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन गया, ये आप लिख सकते हैं कि पी का क्यूब रूट का होल स्क्वायर. ओके, LHS रैशनल है क्योंकि ए एंड सी रैशनल है, बट RHS कैन नॉट बी, बट RHS कैन नॉट बी. क्यों RHS रैशनल नहीं हो सकती भाई? बिकॉज RHS रैशनल इसलिए नहीं हो सकती है बिकॉज इन क्वेश्चन इट क्लियरली स्टेट्स दैट पी इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और जब तक पी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है
तब तक वो उस क्यूब रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, और जब तक वो क्यूब रूट में से बाहर नहीं निकलेगा वो रैशनल नहीं होगा. क्लियर है? पी इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. तो ये वाली बात तो नॉट पॉसिबल. देयरफॉर ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके आगे जाके इक्वेशन इक्वालिटी को फॉलो ही नहीं कर रही है. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबिलिटी क्या बचती है? देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू जीरो इज ओनली पॉसिबिलिटी. सी इज इक्वल्स टू जीरो इज ओनली पॉसिबिलिटी. सो अब आप रिकॉल करिए इक्वेशन थ्री को. सो इक्वेशन थ्री क्या थी? बाय इक्वेशन थ्री आई एम राइटिंग दिस. बाय इक्वेशन थ्री आई एम राइटिंग दिस. बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू जीरो था. बाय इक्वेशन थ्री बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू जीरो था. सिंस सी जीरो हो चुका है आपका, देयरफॉर बी को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो. क्योंकि सी तो जीरो हो गया है, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो. ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस कंप्लीटली जीरो होने के लिए बी को भी फिर क्या होना पड़ेगा? जीरो. बी को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो. तो सी तो जीरो हो ही गया था, बी भी इस इक्वेशन थ्री के ऊपर सी पुट करने पे, जीरो पुट करने पे बी भी हमें क्या पता चला कि बी भी क्या है? जीरो. नाउ पुट दिस सी एंड बी इन फर्स्ट इक्वेशन. द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन इज ए प्लस बी पी की पावर वन बाय थ्री प्लस सी पी की पावर टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. ए को यहीं रखते हैं, जीरो इंटू पी की पावर वन बाय थ्री प्लस जीरो इंटू पी की पावर टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. ए को यहीं रखते हैं, प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. देयरफॉर ए भी क्या आ गया? जीरो. ए भी क्या आ गया? जीरो. हेंस ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू जीरो. यही क्वेश्चन ने हमें प्रूफ करने के लिए कहा था. ठीक है, आप फिर दोबारा इसका एक ब्रॉडर व्यू ले लीजिए, एक वाइडर व्यू ले लीजिए. सो क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा था देखते हैं. क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि ए बी सी पी सारे रैशनल हैं, जिसमें पी जो है वो कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है. रैशनल है बट परफेक्ट क्यूब नहीं है. जैसे कि 27 रैशनल है और परफेक्ट क्यूब भी है 3 का. बट इफ यू कॉल अबाउट 16 तो वो रैशनल तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का. जस्ट एक नंबर मैंने एग्जांपल लिया. तो रैशनल होना और परफेक्ट क्यूब ना होना पॉसिबल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. नाउ इक्वेशन में इन्होंने बोला दैट इफ ए प्लस बी पी की पावर 1 बाय 3 प्लस सी पी की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए बी सी इज 0. तो हमने पहले उस इक्वेशन को लिखा जो दी थी, उसको फर्स्ट बोला, फिर उसी इक्वेशन को पी की पावर 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करा, तो जो इक्वेशन आई उसको हम सेकंड बोल रहे हैं. फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट को बी के साथ एंड सेकंड को सी के साथ, और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि पी की पावर 2 बाय 3 वाली चीज़ें माइनस हो जाएं, मतलब कैंसिल आउट हो जाएं. आप देखिए इस पी की पावर में 2 बाय 3 के साथ है सी, और इस पी की पावर में है, पी की पावर 2 बाय 3 में है बी. तो इस पी की पावर 2 बाय 3 में बी है और इस पी की पावर 2 बाय 3 में सी है. तो दोनों को अगर एक दूसरे से बी एंड सी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बी से और इसको सी से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट, वही हुआ, कैंसिल आउट हो गई ये यहाँ पर. तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? पी की पावर 1 बाय 3 ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी ए सी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 0. ये दो अलग ब्रैकेट बना दिए, एक पी की पावर 1 बाय 3 वाला और एक नॉर्मल वाला. दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा टू गेट द फाइनल आंसर 0. तो इंडिविजुअली हमने पहले लिखा बी स्क्वायर माइनस सी ए को 0 होना पड़ेगा, जिसको मैंने थर्ड इक्वेशन बना दिया क्योंकि मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ इसका, जिसका मतलब निकलता है कि बी स्क्वायर सी ए के इक्वल है. और दूसरा इंडिविजुअल था बी ए माइनस सी स्क्वायर पी वाले ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब है बी ए सी स्क्वायर पी के इक्वल है, जिसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो लिखूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की पावर 4 पी का स्क्वायर. देन उसको वापस इस तरफ लाऊंगा और बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा? अपना आउटपुट फ्रॉम दिस. बी स्क्वायर की जगह मैंने पुट करा सी ए, ये पुट किया तो सी कॉमन निकला, तो मेरा आंसर निकला ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब ब्रैकेट क्लोज सी इज इक्वल टू 0. जिसके दो आउटकम्स निकलते हैं फिर मेरे पास, एक या तो ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब 0 है या सी अकेला 0 है. अगर मैं ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब को आगे प्रोसीड करता हूं तो मैं यहां तक पहुंचता हूं, जो मुझे बताता है कि एल एच एस तो है रैशनल, क्योंकि ए और सी रैशनल है तो रैशनल होगा, लेकिन आर एच एस रैशनल नहीं हो सकता है क्योंकि पी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. ये क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोल दिया था हमें, और पी परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पी 1/3 बाहर में निकलेगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा वो क्यूब रूट में से तो वो रैशनल नहीं रहेगा. देयरफॉर ये रैशनल ही नहीं है एक साइड, और एक साइड रैशनल है तो कॉन्ट्रडिक्शन है. तो पहला पार्ट ही कॉन्ट्रडिक्ट है हमारा कि ए क्यूब माइनस पी स्क्वायर सी क्यूब 0 नहीं हो सकता है. तो फिर इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो करने के लिए हमें सी को ही जीरो मानना पड़ेगा. जब सी ही सिर्फ जीरो पॉसिबिलिटी बचती है आपके पास, तो इक्वेशन थ्री में जाइए वापस से. इक्वेशन थ्री कह रहा है बी स्क्वायर माइनस सी ए 0 है, तो सी अगर 0 है तो
तो बी को भी फिर जीरो होना पड़ेगा टू गेट जीरो। फिर सी एंड बी जब जीरो हो गए तो फर्स्ट इक्वेशन के पास जाइए, फर्स्ट इक्वेशन में बी एंड सी को जीरो पुट करिए, आप देखिएगा ए का भी आंसर अपने आप क्या निकल आएगा, जीरो। देयरफॉर ए बी सी तीनों ही क्या है, जीरो। ये फाइनली जब मैंने इसको जूम आउट किया था तो आप जूम आउट करने के बाद जब ये बिल्कुल एकदम फ्रेश था तब आप इसको थ्रू आउट नोट कर सकते हैं एक साथ। ये इन क्वेश्चंस में मैं ऐसा कर रहा हूँ जिनके पेजेस थोड़े बड़े हैं। फाइन, यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास असाइनमेंट फिफ्थ ख़त्म होती है। अब हम होम असाइनमेंट के कुछ दो तीन क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि होम असाइनमेंट को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, सुनो, होम असाइनमेंट फिफ्थ, होम असाइनमेंट फिफ्थ का सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, एट्थ क्वेश्चन, क्योंकि ये डिजिट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये एक अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली है, और जो अल्फ़ाबेट्स के लिए मैं प्रोसीड करूँगा आप देख पाएंगे कि आप हर डिजिट्स में ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो इसको समझ लिया तो मैक्सिमम डिजिट्स वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजिली हो जाएंगे अगर अल्फ़ाबेटिकल वाले हो गए तो। सो इट वॉन्ट्स मी टू प्रूव दैट पी एन क्यू आर द प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, पी एन क्यू आर द प्राइम पॉजिटिव इंटीजर वेयर रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ is an irrational number. So let's see, to prove it irrational, let root p plus root q is a rational number. Let root p plus root q is a rational number. Now, अगर ये rational है तो definitely ये a by b के form में लिखा जा सकता होगा. Root p plus root q can be presented in the form of a by b where a and b are integers, where a and b are integers. Integers मतलब rational number. Fine. Now, if a and b is integer, then subtracting anything, मैं root p ला रहा हूँ, आप root q भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं root p को इस तरफ ला रहा हूँ, so root q अकेला वहाँ रह जाएगा, squaring on both sides करेंगे, squaring on both sides करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा a by b minus root p का whole square and root q का whole square, which will be a by b, a square by b square plus p plus 2 root p a by b, fine, is equals to q. Now, a square by b square plus p minus q is equals to 2 root p a by b. Sorry, यहाँ पर ये थोड़ी सी mistake है कि ये minus आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये माइनस टू आएगा और ये माइनस होगा तो यहाँ जब उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। फाइन, सो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा और मैं सॉल्व करता रहूँ तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू होल अपॉन 2ab square, 2ab, sorry, 2ab, क्योंकि ये वाला b इस वाले LCM के b square को b पे cancel out कर देगा, तो खाली 2a उधर से आएगा इधर और root p अकेला रह जाएगा वहां पर। राइट, नाउ सिंस इन LHS, सिंस इन LHS A, B, P, all are integers, all are integers. Therefore, LHS is rational. Therefore, LHS is rational. Hence, RHS has to be rational. Hence, RHS has to be rational. But root p is not rational because p is not a perfect square. Since p is prime number,
एंड एनी प्राइम नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. Therefore, equality of first equation is no longer true, which contradicts our first assumption. Hence, root p plus root q is an irrational number. So, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को एक साथ कि आपसे पूछा गया था कि रूट पी एंड रूट क्यू क्या एक इरेशनल नंबर है. सो आपने बोला कि पहले लेट्स से इट्स अ रैशनल नंबर, तो आपने उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जिसमें ए एंड बी इंटीजर्स थे. फिर आपने किसी एक चीज़ को, चाहे रूट पी या रूट क्यू को, किसी एक तरफ ले आइए, बाकी किसी को अकेला छोड़ दीजिए. जिसमें मैंने रूट पी को लेफ्ट साइड लाया, रूट क्यू को अकेला छोड़ा है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये मेरे पास आया है इक्वेशन. फिर इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व करके रूट को एक तरफ ले जाने की कोशिश की है. एंड रूट को जब आप अकेला छोड़ेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे. एंड इसको इक्वेशन वन मार्क कर दीजिए. फिर आप ये स्टेटमेंट्स लिखिए. नाउ सिंस एलएचएस दैट इज ए बी पी ऑल आर इंटीजर्स, देयरफॉर एलएचएस इज रैशनल. हेंस आरएचएस हैज़ टू बी रैशनल इन ऑर्डर टू फॉलो द इक्वालिटी. रैशनल बट रूट पी इज नॉट रैशनल बिकॉज पी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सिंस पी इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर एनी प्राइम नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. देयरफॉर इक्वालिटी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज नो लॉन्गर ट्रू. ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वल का साइन जो है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड आप कह रहे हैं रैशनल है और राइट साइड आप कह रहे हैं रैशनल नहीं है. इसलिए ये इक्वालिटी ट्रू नहीं है. विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फर्स्ट एजम्पशन. वॉट वॉज आर फर्स्ट एजम्पशन? दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रैशनल. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन लीड्स अस टू स्टेट दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरैशनल नंबर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होम असाइनमेंट के अंदर मैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ. लेट्स सी. सो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कह रहा है कि रूट फाइव एंड रूट थ्री को आप रैशनल प्रूव करिए. सो रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज एन इरैशनल नंबर, ये प्रूव करना है हमें. ठीक है, सेम तरीका. लेट रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज रैशनल. लेट रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज रैशनल. देयरफॉर इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, दैट इज रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए बाई बी. ना किसी एक को, रूट फाइव को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, रूट थ्री को अकेला छोड़ रहा हूँ. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ए बाई बी माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू ए बाई बी रूट फाइव इज इक्वल्स टू थ्री. सो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू ए बाय बी रूट फाइव. अगेन एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू यहाँ पर है टू ए रूट थ्री रूट सॉरी रूट फाइव टू ए रूट फाइव अपॉन बी. बी ने बी को काट दिया यहाँ से, टू ए नीचे आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस टू बाई टू ए बी इज इक्वल्स टू रूट फाइव. अगेन स्टेटमेंट दोहरानी है आपको इस इक्वेशन फर्स्ट के लिए. सिंस एलएचएस इज रैशनल दैट इज एलजेब्रा बिटवीन रैशनल्स ए बी एंड टू जैसे नंबर्स रैशनल हैं, इंटीजर्स हैं. फाइन. तो इसके बीच में अगर एलजेब्रा हो रहा है तो फिर एलएचएस रैशनल है. देयरफॉर आरएचएस हैज़ टू बी रैशनल. आरएचएस
has to be rational to sustain, RHS has to be rational to sustain equality, to sustain equality of first equation, to sustain equality of first equation. But we know, root 5 is irrational, this contradicts our first assumption, therefore root 5 plus root 3 is irrational, root 5 plus root 3 is irrational. Fine. So this was our question number 6th, which wants us to prove that root 5 plus root 3 is an irrational number, जिसे हमने rational के साथ start किया, solve किया, contradictions अब आप सीख चुके होंगे अभी तक, इतने questions कर लिए हमने last class में भी, इस class में भी, अब इन दोनों classes की video को आप combine करके देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन questions को सीखना. Last question कर रहा हूँ मैं home assignment में से, first question, easy सा question है, ये इनसे भी easy है. So first question कहता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ होम असाइनमेंट 5th, हमारे पास कह रहा है प्रूफ 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. सो लेट्स सी, लेट 2 माइनस रूट 3 एज रैशनल नंबर. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, दैट इज ए बाई बी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. नाउ रूट 3 अगर अकेला रह जाएगा तो 2 में से माइनस होने आएगा ए बाई बी, विच इज 2b minus a upon b. So in this first equation, since RHS is rational, therefore LHS has to be rational, but we know root 3 is a irrational number, therefore first assumption is wrong. Hence 2 minus root 3 is an irrational नंबर. फाइन, अब होम असाइनमेंट 5th तक सब कुछ अपडेट कर दिए, होम असाइनमेंट 5th तक अब आप करने के लायक हो चुके हैं. इसको एक बार फिर दोबारा अप्लाई करिएगा, होमवर्क करिए. LCM वाले असाइनमेंट में, होम असाइनमेंट 4th में आपको कोई डाउट आया नहीं था, मेरे पास किसी बच्चे के ज़्यादा डाउट्स अपडेट हुए नहीं है उसके रिगार्डिंग. आई होप आप कर रहे हैं या कर चुके होंगे, तो अपडेट कर दीजिएगा आप. एल्स यहाँ तक के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं. अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है क्लास असाइनमेंट 6th, उसकी कुछ नॉलेज है. बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है वो, पूरे रियल नंबर का बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है. तो क्लास असाइनमेंट 6th जो है वो हम डेफिनेटली करेंगे, इसी क्लास में करेंगे. बट उसके लिए लेट्स सी इफ आई एक्सटेंड दिस वीडियो फॉर क्लास असाइनमेंट 6th, आई डू. इफ नॉट देन आई मेक अ सेपरेट वीडियो, बट दैट विल बी अपडेटेड विद इट ओनली ऑन थर्सडे, ऑन 26th of March. Fine. But I'll update that topic on 26th of March only. So this topics, this real number chapter from my side will end in this week, and we'll discuss in the continuation of this video or next video that how we will proceed for the Monday class. Fine. Thank you.